हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि वोकैब हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और दोस्तों चाहे वो एसएससी सीजीएल हो 2020-21, चाहे वो बैंकिंग पीओ हो, रेलवे हो, या फिर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो भी दोस्तों 2020 या फिर 21 में आने वाले हैं, तो दोस्तों ज्यादातर बच्चों को वोकैब याद करने से डर लगता है, और दोस्तों अगर याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसी डर को खत्म करने के लिए हम इस वीडियो में वोकैब को बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक से याद कराऊंगा दोस्तों। और दोस्तों चैलेंज करता हूं कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक होगी दोस्तों, और 100% गारंटी देता हूं दोस्तों आप भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहे, शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला वर्ड है वो है एसिडुअस। एसिडुअस दोस्तों क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और दोस्तों इसकी स्पेलिंग क्या है? ASSIDUOUS। क्योंकि दोस्तों स्पेलिंग भी याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में आती है कि स्पेलिंग आपको गलत दे देंगे, तो जो सही उसका आंसर होगा ऑप्शंस में वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों जो इसका लिंक है वो है ऐसी दुआ, यानी कि ऐसी दुआ से आप किसको रिलेट करेंगे? ऐसी डुअस को, ऐसी प्लस दुआ ऐसी डुअस। और दोस्तों जो इसकी ट्रिक होगी वो हो जाएगी, ऐसी दुआ दो की हम लोग मेहनती हो जाए। ऐसी दुआ से हो जाएगा दोस्तों हमारा एसिडुअस, ये वाला वर्ड। और दोस्तों इसमें मेहनती भी आया हुआ है, यानी कि जो इसका अर्थ है मेहनती, यानी कि जो एसिडुअस का मीनिंग है वो है मेहनती। तो दोस्तों सी इज एन एसिडुअस गर्ल, यानी कि वह एक बहुत ही मेहनती लड़की है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सेकेंड वर्ड पे आते हैं अटरली, UTTER LY, UTTER LY। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है अटरली, और दोस्तों इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? उतरली, यानी कि अटरली उतरली, अटरली उतरली, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी ट्रिक होगी वो हो जाएगी, जो रात में पी थी वो सुबह में कंप्लीटली उतर गई, यानी कि यहाँ पे आया हुआ है उतरली, ये हो जाएगा हमारा अटरली। और दोस्तों जो कंप्लीटली आया है, कंप्लीटली उतर गई, यानी कि कंप्लीटली पूर्ण रूप से, यानी कि जो अटरली का सही मीनिंग है वो है संपूर्ण रूप से या फिर पूरी तरह से। वी आर सो अटरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सब पूरी तरह से यानी फिर संपूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग है, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो रात में पी थी वो सुबह में कंप्लीटली उतर गई दोस्तों, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं वर्ड नंबर थ्री पे, एबोमिनेबल, ABOMINABLE। स्पेलिंग दोस्तों जरूर याद करेंगे, क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ABOMINABLE दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, यानी कि इसका लिंक क्या है? अब प्लस मीना प्लस एबल, अब मीना प्लस एबल, ये आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है, यानी कि उसका व्यवहार बहुत ही बुरा हो गया है, वो अच्छे से बात नहीं करती है, घटिया व्यवहार हो गया उसका, यानी कि अब मीना इतनी एबल, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? एबोमिनेबल से। और दोस्तों उसका व्यवहार कैसा हो गया है? घृणास्पद, यानी कि घटिया व्यवहार। आई थिंक योर बिहेवियर हैज बिन एबोमिनेबल, यानी कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा व्यवहार जो है वो एक घटिया व्यवहार हो गया, यानी कि पूरा व्यवहार हो गया है, तुम अच्छे से बातें नहीं करते हो, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। एक बार और ट्रिक के ऊपर लेते हैं, अब मीना मीना इतनी एबल हो गई है, यानी कि अब मीना मीना प्लस इतनी एबल, यानी कि इसको किससे रिलेट करेंगे? एबोमिनेबल से, हो गई है कि उसका व्यवहार घटिया हो गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है याद करने में, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ओगरी, ओगरी मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक नाउन है, AUGURY, ओगरी। और दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? इसका जो लिंक है वो है ओ प्लस गिरी, यानी कि अगर सामने आपके सामने कोई है, लड़की है, लड़का है, वो गिर गया, आपको उसका आभास भी नहीं हुआ गिरने का, यानी कि ओ मैन की ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? ओ मैन, ओ गिरी, यानी कि वो गिर गई और तुम्हें उसका आभास भी नहीं हुआ, यानी कि इसका जो सही अर्थ है वो है ओगरी का, वो है आभास या फिर संकेत, यानी कि आपको वो गिर गई और आपको उसको आभास भी नहीं हुआ। ओगरी, ओगरी से कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों? ओगरी, AUGURY, और इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आभास। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, दीज सेल्स फिगर्स आर ए गुड ओगरी
फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। तो दोस्तों जो ये आंकड़े हैं इस साल के वो बहुत ही अच्छे हैं, हमें आभास हो रहा है और आने वाले साल के लिए भी। तो दोस्तों आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले वर्ड पर। जो अगला वर्ड है हमारा वो है फिफ्थ नंबर का, कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट दोस्तों एक वर्ब है, CONFRONT, कौन प्लस फ्रंट। इसको कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, CON जो शुरू का कौन है उसको जाएगा हमारा कौन और प्लस फ्रंट कॉन्फ्रंट। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो हो जाएगी हमारी, कौन फ्रंट पर आकर मेरा अपोज करेगा, कौन फ्रंट पर आकर मेरा अपोज करेगा दोस्तों। यानी कि कौन फ्रंट से हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉन्फ्रंट ये वाला, और दोस्तों अपोज यानी कि सामना करेगा, अपोज सामना करना, यानी कि इसका जो सही अर्थ है वो है सामना करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज एन इश्यू वी विल हैव टू कन्फ्रंट एट सम पॉइंट नो मैटर हाउ अनप्लीजेंट इट इज। तो दोस्तों एक बार और ट्रिक को देख लेते हैं, कौन फ्रंट पर आकर मेरा अपोज करेगा, कौन फ्रंट से हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉन्फ्रंट, और दोस्तों अपोज हो जाएगा हमारा सामना करना। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक भी अच्छी लग रही है, याद आपके हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। डेल्यूज, डेल्यूज का क्या अर्थ होता है दोस्तों, बाढ़, DELUGE, डेल्यूज दोस्तों एक नाउन है, DELUGE, डेल्यूज। और दोस्तों इसको कैसे लिंक करेंगे हम डेल्यूज को, दहलीज, डेल्यूज दहलीज, डेल्यूज दहलीज, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि दहलीज तक फ्लड आ गई है, यानी कि दहलीज तक बाढ़ आ गई है। तो दोस्तों जो इसका अर्थ है वो होता है फ्लड या फिर बाढ़। वेन द स्नो मेल्ट, यानी कि जब बर्फ पिघलती है तो दोस्तों बहुत ही तेज धारा आती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है दोस्तों, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि दहलीज डेल्यूज, दहलीज डेल्यूज, और दोस्तों दहलीज तक फ्लड आ गई, यानी कि डेल्यूज का क्या अर्थ है, फ्लड, या इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि जो ट्रिक है, ये ट्रिक है बनाई गई है, इन्हें सिर्फ वो कैब को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों ट्रिक को बस ट्रिक की तरह ही ट्रीट करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले वर्ड पर, वर्ड नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, चेरी, CHARY, चेरी। दोस्तों चेरी होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, CHARY, और दोस्तों इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, चेरी से, जो खाने वाली चेरी होती है दोस्तों, चेरी चेरी, इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे, यानी कि चेरी खाते वक्त हमें कॉशियस और केयरफुल होना चाहिए। चेरी खाने वाली जो होती है, खाते वक्त हमें कॉशियस और सावधान होना चाहिए, यानी कि जो चेरी का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कॉशियस या फिर सावधान या फिर केयरफुल या सतर्क सावधान, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आई एम ए बिट चेरी ऑफ यूजिंग ए ट्रेवल एजेंसी दैट डज नॉट हैव ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है, चेरी खाते वक्त हमें कॉशियस या फिर सावधान होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको एकदम से याद हो जाएगी, अगर आप इसको एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप इसको भूल नहीं पाओगे दोस्तों, और आप एग्जाम्स में जो भी ऑप्शन आएगा उसको आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर, वर्ड नंबर 8 पे आते हैं, बाउंटी, BOUNTY, बाउंटी। दोस्तों एक नाउन है, और बाउंटी को दोस्तों हम किससे रिलेट करेंगे, बंटी से, बाउंटी बंटी, बाउंटी बंटी। और दोस्तों जिसकी ट्रिक है वो हो जाएगी, बंटी ने सबको गिफ्ट दी, बंटी ने सबको गिफ्ट दी, यानी कि जो बाउंटी होता है उसका अर्थ क्या होता है, उपहार या फिर गिफ्ट। एग्जाम्पल दे लेते हैं, ए बाउंटी ऑफ$10,000 हैज बीन ऑफर्ड फॉर द कैप्चर ऑफ हिज मर्डरर। तो दोस्तों इसकी एक बार ट्रिक देख लेते हैं, लिंक क्या है हमारा, किससे लिंक करेंगे, बंटी से। और दोस्तों जिसकी ट्रिक है वो हो जाएगी, बंटी ने सबको गिफ्ट दी, यानी कि जो बाउंटी होता है उसका अर्थ क्या होता है, गिफ्ट यानी कि उपहार। तो दोस्तों आप इनको रिवाइज कर ले जरूर दोस्तों, नोट्स भी इनको जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स, एंड प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ऐसी वीडियो आने वाली है फ्यूचर में बहुत सारी, जिससे कि आपको सारी वो कैब याद हो जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।